नई संसद में आज यानी गुरुवार को आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश कर रही हैं। ये अंतरिम बजट होगा, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। इस बजट में अर्थव्यवस्था, किसानों, महिलाओं और युवाओं को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से बजट भाषण शुरू हो गया है और देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखा जा रहा है। इसे एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ था और उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। वहीं आपको बता दें कि अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल बढ़ा दी गई है। लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया। ये जीडीपी का 3.4% होगा। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। वही 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान भी है। आशा बहनों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 2014 से 23 के दौरान $596 अरब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI आया। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल अंतरिम बजट में किसी भी तरह के लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है।